हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रितु पाठक मल्टी टैलेंटेड में। चलिए तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पनीर के सब्जी की रेसिपी। आज जो पनीर हम बनाएंगे वो हमने पनीर घर पे ही बनाया है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले पहले एक बात आप ध्यान दीजिए, जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको एक बार प्रेस करिए और बेल आइकन को भी एक बार दबाइए। चलिए दोस्तों, हम बिना लेट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए हमारी पनीर है। पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पनीर है। पहले हम पनीर ले लेंगे। फिर हमने देखिए एक कटोरी ताजी मटर ले ली है, एक बड़ा चम्मच मलाई ले लिया है, हमने तीन छोट प्याज ले ली है, छोटी छोटी हैं, हमने तीन टमाटर ले लिए हैं, हमने लहसुन ले लिया है और तीन लहसुन हमने हरे लहसुन ले लिए हैं, हमने दो लाल मिर्च ले ली है, तेज़पत्ता ले लिया है, अदरक का एक टुकड़ा ले लिया है, हमने थोड़ी सी साबुत खड़ी धनिया ली है, साबुत धनिया ली है। देखिए आज हम ये नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये हमने नमक ले लिया, नमक आप अपने स्वादानुसार लें। ये हमने जीरा ले लिया है, दालचीनी ले लिया है, इसमें थोड़ी सी लौंग है और इलायची है। इसमें आप बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं, वो आपके अपने स्वाद के अनुसार है। मसालों में हमने देखिए ये हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है एक चम्मच, आधा चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, एक चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर लिए हैं और एक चम्मच हम सब्जी मसाला लिए हैं, आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है और थोड़ी सी हमने कसूरी मेथी ली है। तो चलिए पहले हम अपने प्याज को, टमाटर को, लहसुन को और अदरक को बारीक बारीक पीस लेते हैं अपने ग्राइंडर में डाल के। हमारा तेल गरम हो चुका है, पनीर के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब इस तेल में हम पहले अपना जीरा डालेंगे और इसमें जो हमने और मसाले रखे थे दालचीनी वगैरह वगैरह, फिर हम अपना लाल मिर्च डालेंगे, जो हमारा तेज़पत्ता था तेज़पत्ता डालेंगे, इनको हम थोड़ा सा चला लेंगे, हमें इनको ज़्यादा जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा ही भूनना है। जीरा जो ही चटकने लगे हम अपना पेस्ट जो तैयार किए हैं टमाटर प्याज सबका, हम अपना पूरा पेस्ट इसमें डाल देंगे। हमारा 5 से 6 मिनट हो गया है, हम अपना देखिए खोल के चेक करेंगे। हमारा टमाटर खूब अच्छे से पकने लगा है, ये देखिए इसको चलिए अब हम दिखाते हैं हमारी मटर और प्याज कैसे पकती हुई है। हमारी मटर लगभग पक चुकी है, जिसमें हमने जो पीसे हुए मसाले रखे थे अब ये सारे मसाले हम मिला।
देखिए अब हमारा मसाला देखिए तेल छोड़ने लगा है, ये देखिए ध्यान से देखिए आप। ये पूरा अच्छे से अब तेल छोड़ चुका है। अब इसमें हम अपने जो मलाई रखे थे इसको हमने खूब फेंट लिया था और अब हम इस मलाई को इसमें डाल देंगे। देखिए ये रही हमारी पनीर, ये देखिए पूरा अच्छे से तेल छोड़ चुकी है। अब आपको दिख गई होगी अच्छे से, सब हम इसमें अपना और जो मटेरियल बचा है उसको मिला देंगे। हमारी पक चुकी है अच्छे से। अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, बस इसमें हम जो अपना कसूरी मेथी लिए थे वो कसूरी मेथी डाल देंगे। और फिर हम धनिया की पत्ती जो काट के रखे थे थोड़ी सी, आप चाहें तो इसे डालें ना।